देख रहे हैं एमएनएस न्यूज़ लाइव पर। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबर। फांसी लगाकर की आत्महत्या। एक युवक ने अवसाद में जाकर अपने घर में ही गले में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। यह घटना कुही पुलिस थाने की सीमा में स्थित खलासना गाँव में मंगलवार की शाम को प्रकाश में आई। मृतक युवक का नाम नितेश कैलाश खंडाटी है। यह कुही तहसील के खलासना का निवासी था। उसके परिजन बाहर गांव गए थे, वह घर में अकेला था। इस दौरान उसने अपने घर पर ही गले में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। इस मामले में कुही पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का मामला दर्ज किया है। मामले की जांच थानेदार चंद्रकांत मदनी के मार्गदर्शन में हवलदार विजय कुम्हार कर रहे हैं। कि वही दूसरी ओर सरपंच से युवक की मृत्यु, जहरीली सांप के काटने से एक रोजगार सेवक युवक की मृत्यु हो गई। यह घटना गोसे खुर्द प्रकल्प ग्रस्त क्षेत्र तुड़का गांव में बुधवार 6 जनवरी को दोपहर 1 बजे के दौरान हुई। मृतक का नाम बादल योगीराज उके है। वह कोही तहसील के तुड़का गांव का निवासी है। बादल को ड्यूटी के दौरान जहरीले सांप ने काट लिया। इसके बाद उसे बेलतुर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया, जहां जांच के उपरांत डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बेलतुर पुलिस ने मामला दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए कोही ग्रामीण अस्पताल भेजा है। बादल अविवाहित था। वह महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार योजना के तहत रोजगार सेवक के रूप में कार्य करता था। कि वही तीसरी ओर डीजल लेकर जा रहा टैंकर पलटा। एक जख्मी नेशनल हाईवे क्रॉस 6 पर मोहघाट के पास 4 जनवरी को डीजल पेट्रोल भरकर जा रहे टैंकर में अनियंत्रित होकर पलट जाने से उसका क्लीनर असर धीन जमी उद्दीन जख्मी हो गया। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर हाइक इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। नमस्कार।